नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कुरावली नगर में रामलीला कमेटी के तत्वाधान में पारंपरिक रूप से चलने वाले रामलीला का शुभारंभ शनिवार को भूमि पूजन तथा गणेश पूजन के साथ किया गया। इस दौरान नगर में भगवान गणेश तथा रावण की शोभा यात्रा भी निकाली गई। शनिवार को रामलीला मैदान में भूमि पूजन के साथ सुजरई रियासत में भगवान गणेश का पूजन अर्चन कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसके पश्चात भगवान गणेश तथा रावण को रथ पर विराजमान किया गया। शोभा यात्रा नगर के जीटी रोड, सदर बाजार, देवराई गेट, पठानान, कोआ टोला, सराय, वेदन टोला बाईपास मार्ग होते हुए रामलीला मैदान में संपन्न हुई। इस अवसर पर रामलीला कमेटी के पदाधिकारी लाला राजकिशोर गुप्ता, भानु वर्मा, पिंटू गुप्ता, राम कुमार, सभासद आदि मौजूद रहे। कुरावली में रामलीला के शुभारंभ पर गणेश पूजन के साथ निकाली जा रही शोभा यात्रा। जनपद मैनपुरी के कुरावली से मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट। मैं मेला अध्यक्ष राजकिशोर गुप्ता। आज गणेश पूजन, रावण की दुहाई निकाली गई। 16 तारीख को भगवान शंकर की बारात निकाली जाएगी और 18 तारीख को भगवान राम की बारात निकाली जाएगी और इसके कार्यक्रम आगे रामलीला ग्राउंड में कार्यक्रम चलता रहेगा। आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर रामलीला ग्राउंड में रामलीला की शोभा बढ़ाएं। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें एएसबी न्यूज के साथ। नमस्कार।